જોઈ રહ્યા છો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ. હું છું આપની ચૈતી એન્કર પાયલ બામણિયા. સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ માં આપનું સ્વાગત છે. તો જોઈએ આજના મહત્વના સમાચારમાં. લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ. હર અમે સત્યની સાથે. દિલ્હી સરકાર ફિર ફાંસી ઓક્સિજન કો લેકર કેન્દ્ર સરકાર સે ચાર ગુના ઓક્સિજન માંગી. दिल्ली सरकार ऑक्सीजन को लेकर तीर्थी नजर आ रहे. सुप्रीम कोर्ट की ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी ने किया साफ कि दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन चार गुना ऑक्सीजन केंद्र सरकार से मांगी थी. दिल्ली सरकार पर लगे आरोप कि कोरोना काल में दूसरी वेव के समय के ऑक्सीजन को लेकर लगातार दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार पर आरोप लगे थे कि केंद्र सरकार दिल्ली को ऑक्सीजन जितनी चाहिए उतनी नहीं दे रही है. आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑक्सीजन की ऑडिट कमेटी ने दिल्ली सरकार की मुस्लिमें फाड़ा दी और इस कमेटी ने आज अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन को लेकर केंद्र सरकार को गलत जानकारी दीगी. दिल्ली को 1148 मैट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए पर वास्तव में दिल्ली को 300 मैट्रिक टन से भी कम की जरूरत भी, पर दिल्ली सरकार ने लोगों को और केंद्र सरकार को गलत जानकारी दी और ऑक्सीजन चार गुना मांगी थी. इसको लेकर अब भाजपा की तरफ से दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश की थी और दिल्ली सरकार ने लोगों को गुमराह किया और लोगों की ऑक्सीजन बेची गई और भ्रष्टाचार किया है. और दिल्ली सरकार ने अब दिल्ली सरकार खुद अपने ही ऑक्सीजन के चक्करव्यूह में फंसती नजर आ रही है और दिल्ली सरकार को जवाब अब जवाब देना होगा. अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार को क्या जवाब देती है, क्योंकि दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर जितनी भी जाने गई है उसका जिम्मेदार दिल्ली सरकार है. स्पीड न्यूज 17 के लिए मोहम्मद अफरीदी इदरीसी की रिपोर्ट. कैमरामैन मोहम्मद इरशाद दिल्ली से. दिल्ली के अंदर 95,000 केस थे और महाराष्ट्र में भी 92,000 केस थे. वहाँ 275 मीट्रिक टन से उनका काम चल रहा था, सफिशेंट काम हो रहा था. तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इन्होंने ऑक्सीजन के मामले में, कोरोना की दूसरी लहर में, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हर मामले में फेल साबित हुए हैं, मिसमैनेज किया है और ये बहुत बड़ी क्रिमिनल निगलेंसी, आपराधिक लापरवाही की है केजरीवाल सरकार ने. जानबूझकर अपनी कमियों को छुपाने के लिए, केंद्र सरकार पर दोषारोपण मढ़ने के लिए ऐसा अपराध केजरीवाल सरकार ने किया है. और इसके कारण से 12 अन्य राज्य, वो यूपी हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, उन राज्यों को ऑक्सीजन कम मिल पाई. उन राज्यों में ऑक्सीजन की इस दूसरी लहर के अंदर, जैसा हमने पहले भी बहुत सी प्रेस वार्ताओं में दिल्ली सरकार की लापरवाहियों को, उनकी खामियों को, उनके उजागर किया था और आज वही पुष्टि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है वो बहुत चौंकाने वाली है. आज जब पूरा देश उस कोरोना महामारी से निकलकर हम वैक्सीनेशन अभियान की ओर बढ़ चले हैं, ऐसे में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार कोरोना की दूसरी लहर में जब पीक था उस समय जिस जो नाकामियां, जो मिसमैनेजमेंट, जो उनकी सरकार की फेल्योर, उन्होंने ऑक्सीजन की फेल्योर दिखाया और इसके साथ ही साथ कोरोना के दौरान जो अस्पतालों में कमी थी, जो उनकी सरकार की कमी थी, उन कमियों को छुपाने के लिए वो लगातार ऑक्सीजन क्राइसिस की बात कर रहे थे. और इसके कारण से केंद्र